माय चैनल दोस्तों एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं नया साल आ चुका है, तो आज हम नए साल की शुरुआत ना फिटनेस से करने वाले हैं क्योंकि फिट रहोगे तो हर एक चीज़ को आप फेस कर सकते हो, हर एक बीमारी से लड़ सकते हो, फिर वो चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो। एक्सरसाइज बात जिम से करी है, हालांकि आज संडे है, स्टिल हमारा जिम खुला है, आज स्काई फिटनेस जिम खुला है और थोड़ा सा रिनोवेशन हुआ है यहाँ पे, आपको दिखाया मैंने। तो चलते हैं नीचे की साइड। सारी चेस्ट की मशीनें, लेग्स की मशीनें सारी अवेलेबल हैं। हालांकि मैं आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ अपनी जिम से, बट नया साल है तो मुझे लगता है कि हाँ, जो भी मेरा वीडियो देखेंगे या जो भी देख रहे हैं, अपनी फिटनेस को लेकर के थोड़ा सा एक्टिव रहें ताकि चीज़ों को आप फेस कर सकें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। इससे अच्छा मैसेज मुझे नहीं लगता कि न्यू ईयर के दिन कुछ होने वाला है। सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, चैनल में बने रहिए और देखते हैं आज क्या होने वाला है। तो गाइस शुरुआत करते हैं स्ट्रेचिंग से। कार्डियो से पहले स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है जिससे कि हमारी बॉडी खुल जाती है और कार्डियो करने में हमें बहुत आसानी होती है। कार्डियो हमारी स्टार्ट हुई और कार्डियो हमारी चलती है 45 मिनट्स, इससे कम बिल्कुल भी नहीं चलती है और उस दौरान हमें थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलता लाइक ठीक है, जब तक बॉडी वार्म नहीं होगी और पसीना नहीं आएगा तब तक मज़ा क्या आएगा एक्सरसाइज करने में। तो ये थी हमारी कार्डियो सेशन एंड उसके बाद ये रोप जो होती है ना, बाप रे, ये देखने में बड़ी आसान लगती है बट बहुत हार्ड होती है। एंड फाइनली इस रोप के बाद हमारी कार्डियो फिनिश हो जाती है और मैं हो जाती हूँ पूरा पसीना पसीना। सो गाइज अब मैं नीचे आ गई हूँ और थोड़ा सा पसीना भी मेरा सूख गया है और अब होने वाली है यहाँ पे वेट लिफ्टिंग, क्योंकि यहाँ पे सब आप देख ही रहे हो हैवी वेट ले रहे हैं और सब अपनी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं मशीनों की। तो अब मशीनों की स्टार्ट होने वाली है एक्सरसाइज, ये आप जरूर देखना, आप बहुत मोटिवेट हो जाएंगे।
और यहाँ तक तो हम लोगों ने करी है एक्सरसाइज वगैरह, बट यकीन मानिए हमारे ट्रेनर, हमारे सर, हमारी मैम ने भी एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग करके हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया है। उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत मोटिवेट हो रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपका ज़रा सा भी मन कर रहा है ना, फटाफट से स्काई फिटनेस जिम आ जाइए। आपको वर्कआउट के बाद निहारते हुए शीशे में मुझे पकड़ लिया बबली ने, कह रही बस कर अब क्या शीशा तोड़ेगी। बट एनीवेज मेरी आदत है गाइस कि हाँ, अपने आपको मुझे देखने का बहुत शौक है। एंड मुझे लगता है कि हाँ, जब इतना फिट हुए तो किस लिए, देखने के लिए ही ना। बट मेरे अलावा यहाँ पे एक और चीज़ थी जो देखने लायक है, वो है ये सर्टिफिकेट्स जो बड़ी मेहनत से लाए गए हैं जिम में। तो ये मैम के और सर के हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करके मेडल और ये इतने सारे सर्टिफिकेट जीते रखे हैं, तो मुझे लगता है इनके लिए एक लाइक तो बनता ही है गाइस। तो शाम हो गई है और सब इकट्ठा भी हो चुके हैं, वर्कआउट भी ख़त्म हो चुका है, तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सबसे अच्छी घर ना ये है, ये है हमारी गर्ल्स, ये हमारे ट्रेनर, ये है दी, ये है वीडियो। सो गाइस, कैसा लगा आज का ये व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक, तो फटाफट से कर लीजिए। एंड वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सारदर साल हमारा ये रिश्ता, हमारा ये प्यार बना रहेगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज, बाय बाय। नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, फिट रहें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू सर, बाय।